हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ओके, आवाज़ क्लियर आ रही है? मुझसे गलती हो गई थोड़ी बहुत, मतलब मैंने गो लाइव का बटन प्रेस नहीं किया था और मैंने पढ़ाना शुरू भी कर दिया था। मुझे थोड़ी देर बाद अंदाज़ आया कि काफ़ी कम लोग आए हुए हैं एंड स्ट्रीम क्यों आगे नहीं बढ़ रही है। सो दैट हैपन्स। ओके, शुरू करते हैं आज का सेशन। मतलब मैंने गो लाइव का बटन प्रेस नहीं किया था और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मार्किंग्स आपको दिखेंगे जो मैं आधी पीडीएफ कब से पढ़ा चुका हूँ। ओके, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लेट हो गया है, 12:20 के करीब हो चुके हैं एंड ओके, आवाज़ वगैरह तो क्लियर होगी ना। एक और बुरी खबर है, आज ऋषि कपूर का भी यहाँ पे मृत्यु हो गया है एंड ये भी एक आज की बुरी खबर है। कल इरफान खान एंड आज ऋषि कपूर। सो हाँ, 2020 पता नहीं क्या क्या लाएगा। कोरोना वायरस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ये चीज़ यहाँ पे दिन खराब होते जा रहे हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। अब अप्रैल 30 का करंट अफेयर्स, जहाँ पे हम 30 अप्रैल के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लो, अगर नहीं ज्वाइन किया है व्हाट्सअप वगैरह पे शेयर कर सकते हो आप ये सेशन को। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलने वाली है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। बाकी आप ये पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और बाकी कोर्स में अगर आप एनरोल नहीं किया हुआ है तो आप कर लीजिए, बिकॉज आज लास्ट डे, कल ही आपको ये ऑफ़र देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो जल्दी से कर लो। ठीक है, ये प्राइस में अभी बहुत अच्छी डील मिल रही है, 1099 की काफ़ी बढ़िया ऑफ़र है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आता है प्रकाश जावेदकर पार्टिसिपेट करते हैं फर्स्ट वर्चुअल 11th सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में इंडिया की ओर से यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावेदकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 11th सेशन है जहाँ पे 30 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्ट लेने वाले हैं और यहाँ पे इन्होंने और भी एक इनका इसके बारे में बताया हुआ है कि इन्होंने इंडो जर्मन बायलेटरल मीटिंग भी अटेंड की है जहाँ पे जर्मनी की ओर से स्वेंजा स्कूल्स उन्होंने पार्ट लिया था और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की थी। COVID-19 की सिचुएशन, टेक्निकल कोऑपरेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कवर्स क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी चीज़ें। एंड बाकी जर्मनी के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, बर्लिन एंड करेंसी जो है यूरो। यूके के बारे में कैपिटल लंदन है और करेंसी जो है पाउंड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पद्मश्री अवार्डी एंड फेमस बॉलीवुड एक्टर इरफान खान पास्ड अवे एट 53। वह फेमस बॉलीवुड एक्टर इरफान खान, जिनका यहाँ पे देहांत हो गया है 53 की एज पे, कल हमें पता ही ये तो, और इनको इन्फेक्शन था। इन्होंने बहुत सारी फिल्म में काम भी किया हुआ है, इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अवार्ड्स में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से इनको पद्मश्री दिया गया था, उनको नेशनल फिल्म अवार्ड और साथ ही साथ 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले थे। ठीक है, और उन्होंने लाइक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर्स डैनी बॉयल, एंग ली एंड बहुत सारे जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ भी काम किया गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। सो EAM जयशंकर पार्टिसिपेटेड इन ब्रिक्स FM's वर्चुअल मीट ऑन कोरोना वायरस, $50 मिलियन सपोर्ट सेटअप बाय ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स यहाँ पे 5 कंट्री का कॉम्बिनेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे नाम। और इसमें यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स ने पार्ट लिया हुआ था हर एक कंट्री के, जिसमें इंडिया की ओर से यहाँ पे पार्टिसिपेट लिया किया था सुब्रमण्यम जयशंकर, और इसको लीड कर रहे हैं, मतलब ये जो है रशिया जो है इसको चेयर कर रहा है ब्रिक्स को। और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है जिन्होंने ये ओपन किया था डिस्कशन? सर्जी लेवरो। ओके, और भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है $15 मिलियन का यहाँ पे जो है लोन सपोर्ट करने वाला है। और इसमें क्या होगा, जो भी मेंबर स्टेट्स है उनकी इकोनॉमी को रीबिल्ड करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे मतलब COVID-19 से जो इम्पैक्ट हुआ है उसके ऊपर काम किया जाएगा। द फंड विल बी एलोकेटेड थ्रू न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये फंड एलोकेट करने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो
फाइनेंशियल एड टू इंडिया टू टैकल कोविड-19 एंड एनडीबी ने ऑलरेडी यहाँ पे 1 बिलियन दिया है, एडीबी ने यहाँ पे 1.5 बिलियन दिया है और वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे 1 बिलियन दिया हुआ है, मतलब 3.5 बिलियन तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ब्रिक्स के बारे में तो उसके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे जो है सॉरी एस्टैब्लिशमेंट जो है 2009 में, थीम ऑफ 2020 का थीम क्या है, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। जहाँ पे एनडीबी के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट 2014 में हुआ है और प्रेसिडेंट जो है कुंदरपुर वमन कमात, ठीक है। और भाई अगर अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को तो जल्दी से लाइक कर दो, आप लोग वेट किस बात का कर रहे हो। बाकी आगे बात करते हैं तो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशड IFSCA टू रेगुलेट ऑल फाइनेंशियल सर्विस इन IFSCs। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस को, जो कि एक यूनिफाइड बॉडी है और जिसके हेडक्वार्टर्स जो है गांधीनगर में है। बाकी इन्होंने और भी चीज़ें बताई हुई है, गिफ्ट सिटी के बारे में भी बात की हुई है जिसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। और उसके चेयरमैन जो है सुधीर मनकाड़ है। कर्नाटका टॉप्स इन टोटल इंस्टॉल रिन्यूएबल कैपेसिटी, क्रेसल रिसर्च रिपोर्ट। यहाँ पे कर्नाटका जो है टॉप करता है टोटल इंस्टॉल रिन्यूएबल कैपेसिटी में। किसका रिपोर्ट है ये? क्रेसल का रिपोर्ट है, क्रेसल का रिसर्च रिपोर्ट है। एंड सेकंड पे कौन है? तमिलनाडु है और गुजरात थर्ड पे है। द टॉप थ्री स्टेट्स इन ओवरऑल सोलर एनर्जी कैपेसिटी एडिशन आर राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका इन विंड एनर्जी। गुजरात, अच्छा यहाँ पे सोलर एनर्जी कैपेसिटी के एडिशन में राजस्थान, तमिलनाडु एंड कर्नाटका है, विंड एनर्जी में गुजरात, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र है, ठीक है। ओके, इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है ये रिन्यूएबल एनर्जी का। नेक्स्ट CRISIL जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO आशुष सुयास है, चेयरमैन जो है जॉन बेरिसफर्ड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कोविड-19 इंडिया फैसिलिटेट्स $150 मिलियन फॉरेन करेंसी स्वैप फैसिलिटी टू मालदीव्स। यहाँ पे कोरोना वायरस के चलते यहाँ पे इंडिया सामने से चल के जो भी लेस कैपेबल कंट्रीज है तो उसको यहाँ पे $150 मिलियन का यहाँ पे फॉरेन करेंसी स्वैप सपोर्ट मालदीव्स को दिया हुआ है, ये जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कम हो उसके लिए, ठीक है। और उसके ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया द दिस फैसिलिटी हैज बीन एक्सटेंडेड अंडर द 400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज साइंड इन July 2019। मालदीव्स इज द ओनली कंट्री अदर देन भूटान टू हैव बीन गिवन दिस फैसिलिटी। भूटान के बाद यहाँ पे मालदीव्स को ये फैसिलिटी दी गई है। बाकी फॉरेन करेंसी स्वैप क्या होता है इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, ये इसका पूरा पढ़ सकते हो। एंड मालदीव्स का कैपिटल है मेल, करेंसी जो है मालदीवियन रुफिया एंड प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है। एडीबी अप्रूव्स $346 मिलियन लोन फॉर महाराष्ट्र टू इलेक्ट्रीफाई रूरल एग्रीकल्चर कस्टमर्स। यहाँ पे एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक उसने अप्रूव किया है $346 मिलियन का, 2600 करोड़ के करीब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को, ताकि यहाँ पे पावर कनेक्शन जो है रूरल एरियाज में दिए जाए और यहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी दी जाए जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। और इनका जो इट विल सपोर्ट द स्टेट्स हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोग्राम इन विच सम 46,800 किलोमीटर ऑफ हाई वोल्टेज 11 kW एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल बी इंस्टॉल। इतना यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। 121 सब स्टेशंस ऑफ 33/11 kW मॉडर्नाइज बाय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ें की जाएगी, ठीक है। और महाराष्ट्र एनर्जी डिपार्टमेंट एंड MSEDCL ये इंप्लीमेंट करने वाले हैं और ये काउंटर पार्ट विच विल गेट काउंटर पार्ट फंडिंग ऑफ $357 मिलियन बाय महाराष्ट्र इन एसोसिएशन विद MSEDCL। ओके, एंड बाकी इन्होंने और भी चीज़ें बताई हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है मंदलू योंग फिलिपाइंस, मेंबरशिप 68 कंट्रीज एंड प्रेसिडेंट मसत्सुगु असाकावा, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में तो कैपिटल मुंबई, गवर्नर जो है भगत सिंह कोशियारी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, फ्लावर जरूल एंड ट्री मैंगो ट्री है, ठीक है।
मूडी डिक्लाइंड इंडियाज ग्रोथ एस्टिमेट टू 0.2% फॉर सीवाई 2020 फ्रॉम 2.5% से सीधा इनको कर दिया है 0.2% यहाँ पे मूडी के ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट ने। और मूडी ने इंडिया का ग्रोथ फॉरकास्ट किया है 2021 के लिए 6.2%, ये इन्होंने बताया हुआ है। द प्रोजेक्शन ऑफ जीडीपी ऑफ G20 एडवांस इकोनॉमिक्स एज अ ब्लॉक इट्स ऑल्सो डिक्लाइंड बाई 5.8% इन 2020। यहाँ पे ये जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट यहाँ पे वेरियस एजेंसीज का एक साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। हाँ, यहाँ पे किसने इंडिया रेटिंग्स ने कितना बताया हुआ है 2.1 से 1%, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 0.9 to 1%, नोमुरा 0.5%, फिच रेटिंग 0.8, गोल्डमैन सैक्स 1.6, वर्ल्ड बैंक 1.5 to 2.8 एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1.9% और एशियन डेवलपमेंट बैंक 4%। मूडी कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। प्रेसिडेंट एंड चीफ मिनिस्टर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है रेमंड व्हाइटहेड मैकडेनियल, ठीक है। CRISIL पेग्स इंडियाज FY21 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एट 1.8% फ्रॉम 3.5%। CRISIL जो कि एक S&P ग्लोबल कंपनी है, डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी, उन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्शन जो है फाइनेंशियल प्रोग्रेस प्राइस का वो कि कम कर दिया है। यहाँ पे कितना यहाँ पे 1.8% बताया है, 3.5 से सीधा 1.8%। CRISIL ये द पेरेंट कंपनी ऑफ CRISIL स्टैंडर्ड एंड पुअर्स प्रिडिक्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट 2.4% अगेंस्ट इट्स अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 0.4% ग्रोथ। द एजेंसी प्रोजेक्ट्स द लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक टू कॉज अ टोटल लॉस ऑफ 10 trillion, दैट इज ₹7,000 पर पर्सन। यहाँ पे लॉकडाउन के चलते टोटल लॉस इन्होंने 10 trillion का बताया हुआ है, जहाँ पे पर पर्सन का लॉस 7,000 के करीब होगा। चेयरमैन जो है CRISIL के जॉन एल बेरिसफर्ड, CEO आशुष श्रियास एंड प्रेसिडेंट एंड बिजनेस हेड गुरप्रीत चटवाल, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र है, ठीक है। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार इज अपॉइंटेड एज PESB चीफ। यहाँ पे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार जिनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड PESB बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट ACC, ओके। और उसमें यहाँ पे राजीव कुमार के बारे में बताया हुआ है, तो राजीव कुमार IAS ऑफिसर है 1984 के बैच के, झारखंड कैडर के। इन सितंबर 2017 ही टूक ओवर एज अ फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी एंड इनिशिएटेड मेनी रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर एंड रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट इन फेब्रुवरी 2020। ये रिटायर हो गए थे फेब्रुवरी 2020 में ये पोस्ट से, और इनको अभी वापस से अपॉइंट किया गया है, ओके। सो चेयरमैन राजीव कुमार PESB के, डायरेक्टर जो है कैलाश धन रत्नो एंड सेक्रेटरी जो है किम बोयोंग किप जिन, ठीक है। PNB हाउसिंग अपॉइंट्स नीरज व्यास एज इंटरिम MD एंड CEO एज इनकमबेंट संजय गुप्ता स्टेप्स डाउन। यहाँ पे जो है संजय गुप्ता है वो यहाँ उनको उनकी जगह पे नीरज व्यास को MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। आठ महीने के पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, 28 अप्रैल को इनका अपॉइंटमेंट था, ओके। बाकी संजय गुप्ता के बारे में, तो इनके पहले संजय गुप्ता जिनका यहाँ पे टेन्योर जो है 4 मई को ख़त्म हो रहा था, ठीक है, एंड उनके बदले इनको भी रखा गया है। तो इंटरिम MD एंड CEO नीरज व्यास है, फाउंडेड PNB नवंबर 11, 1988, कॉरपोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली, ठीक है। फॉर्मर कर्नाटका बैट्समैन जे अरुण कुमार नेम्ड एज यूएसए नेशनल टीम कोच। कर्नाटका बैट्समैन जे अरुण कुमार, उनको यहाँ पे यूएसए नेशनल टीम कोच में लिया गया है, उनको अपॉइंट किया गया है। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ इंटरिम कोच जेम्स पेमेंट के जगह पे इनको यहाँ पे इनके बाद जे अरुण कुमार को रखा गया है, ठीक है। यूएसए क्रिकेट तो उसके हेडक्वार्टर्स कोलोराडो यूनाइटेड स्टेट्स, चेयरमैन पराग मराठे एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इयान हिगिन्स।
साइंटिस्ट एट JNCSR डेवलप बर्बेराइन बेस्ड अल्जाइमर इनहिबिटर बर्ल डी। यहाँ पे एक साइंटिस्ट की टीम जो है जिसको लीड किया है प्रोफेसर गोविंद राजू एट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCSR। उसमें यहाँ पे इन्होंने जो कि यहाँ पे बेंगलोर कर्नाटक में है उन्होंने डेवलप किया है अल्जाइमर्स इनहिबिटर कॉल्ड बर्ड डी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ बर्बेरिन। एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है नेचुरल एंड चीप प्रोडक्ट सिमिलर टू करक्यूमिन फाउंडेड इन इंडिया एंड चाइना। ओके द आइसोक्यूनोलाइन नेचुरल प्रोडक्ट बर्बेरिन यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड अदर पर्पजेज हैज फोर फेनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स विच आर मेथालाइटेड ड्यू टू विच इट्स वाटर इनसोल्यूबल। ये चीज़ जो है बर्बेरिन इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में और बहुत सारे पर्पज़ के लिए। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है ये जो है कहाँ पे सिर्फ इंडिया और चाइना में पाया जाता है। ओके नियर अर्थ एस्ट्रॉइड 1998 OR2 टू पास विद इन 3.9 मीटर एम माइल्स ऑफ अर्थ नासा। नासा के हिसाब से एस्टोरॉयड 1998 OR2 जो कि लार्ज नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है मेजरिंग 1.5 माइल वाइड विल पास बाय अर्थ विद इन 3.9 मिलियन मील्स विच इज अबाउट 16 टाइम्स फार्दर अवे देन द मून। मून से 16 टाइम्स दूर है वो यहाँ पे पास होने वाला है। नियर अर्थ स्मॉल एस्ट्रॉयड 2020 HS7 एस्टिमेटेड टू बी 24 फीट इन साइज सेफली पास्ड अर्थ ऑन 28 अप्रैल। वो यहाँ पे 28 अप्रैल को पास हो गया था। ठीक है और अभी यह OR2 के बारे में इन्होंने बताया हुआ है द एस्टोरॉयड पॉसेस नो पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट और एटलीस्ट द नेक्स्ट 200 ईयर्स एंड इट्स नेक्स्ट क्लोज अप्रोच टू अर्थ विल अकर इन 2079 विच इट विल पास बाई क्लोजर विच इज़ ओनली अबाउट 4 टाइम्स द लूनर डिस्टेंस। यहाँ पे नेक्स्ट 2079 में ये बहुत पास से निकलेगा जो कि 4 टाइम्स काफ़ी मतलब विच इज 4 टाइम्स द लूनर डिस्टेंस। ओके नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ये भी इन्होंने बताया हुआ है। नासा के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन एंड एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स फेडरिक जिम ब्रेडस्टाइन। ठीक है IIT रुड़की प्रोफेसर डेवलप सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट COVID-19 विद इन 5 सेकेंड्स यूजिंग एक्सरे स्कैन। कमल जैन एक प्रोफेसर है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के IIT के रुड़की के। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो कि COVID-19 को 5 सेकेंड में डिटेक्ट करेगा यूजिंग एक्सरे स्कैन ऑफ सस्पेक्टेड पेशेंट। 5 सेकेंड में डिटेक्ट करेगा मतलब ये सॉफ्टवेयर क्या होगा। सॉफ्टवेयर हैज़ डेवलप विद इन 40 डेज एंड द प्रोफेसर हैज़ फाइल्ड अ पेटेंट फॉर द सॉफ्टवेयर एंड हैज अप्रोच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फॉर रिव्यू। ICMR को रिव्यू के लिए सॉफ्टवेयर भेज दिया और ये सॉफ्टवेयर सिर्फ 40 दिन में बनाया हुआ है। लेट्स सी ये पूरी तरह से चेंज कर देगा। ओके एंड कमल जैन ऑल्सो एडेड द फर्स्ट डेवलप एंड AI बेस्ड डेटाबेस आफ्टर एनालाइजिंग ओवर 60,000 एक्सरेज। 60,000 एक्सरेज को एनालाइज करने के बाद इन्होंने ये डेटाबेस में से ये AI के बेस पर डेवलप किया हुआ है इंक्लूडिंग दोज ऑफ COVID-19 न्यूमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द काइंड ऑफ चेस्ट कंजेशन सफर्ड इन द 3 डिजीज एंड ऑल्सो एनालाइज द चेस्ट एक्सरे डेटाबेस फॉर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स NIH क्लिनिकल सेंटर। अब ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है बहुत सारे लेट्स सी क्या होता है ये चेंज करता है मतलब पूरी तरह से। इसने तो अगर सक्सेसफुल रहा ICMR के अप्रूवल भी मिल गया तो लेट्स सी क्या करता है। IIT रुड़की इसके बारे में तो डायरेक्टर अजीत के चतुर्वेदी है और मोटो नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। ऑब्वियसली नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। माई गवर्नमेंट वी मेट कोलैबोरेट्स टू डिस्पर्स इन्फॉर्मेशन ऑन COVID-19। यहाँ पे शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन वी मेट ठीक है वो एडवर्टाइजमेंट आती था VMATE वी मेट उसने यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ ज्वाइन किया हुआ है माई गवर्नमेंट के साथ ताकि सिटीजन को इंगेज रखे। ठीक है और ये क्या करने वाले हैं इनके बारे में बताया हुआ है। सो वी मेट यूजर्स कैन नाउ गेट फर्स्ट हैंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन वेरियस अनाउंसमेंट मेड इन द वेक ऑफ COVID-19। ये यहाँ पे अनाउंस करेंगे जो भी अनाउंसमेंट होगी वो यहाँ पे वी मेट ऐप पे आपको पता चल जाएगी। 64th एडिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मंथली रेडियो प्रोग्राम मन की बात वो भी यहाँ पे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। माई गवर्नमेंट इंडिया के प्रोफाइल पिक पे ये स्ट्रीम किया जाएगा वी मेट ऐप पे। ठीक है ओके
इंडिया लॉस्ट होस्टिंग राइट्स ऑफ 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप टू सर्बिया AIBA. इंडिया इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन टर्मिनेट किया है इंडिया के एग्रीमेंट को, जो कि यहाँ पे होस्टिंग राइट्स जो है 2021 के जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसको यहाँ पे ले लिया है. रीज़न क्या है? तो रीज़न बिहाइंड टर्मिनेशन इज़ द इनएबिलिटी ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया टू पे द होस्ट फीस ऑफ $4 million ड्यू ऑन December 2019. नाउ इंडिया वुड हैव टू पे कैंसलेशन पेनल्टी ऑफ $500. यहाँ पे $4 million का जो होस्ट फीस थी वो पे करना था December 2019 को, लेकिन वो नहीं कर पाया बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. अब उसके लिए यहाँ पे पेनल्टी लगी है $500 की. ओके, ये पहली बार होने वाला था सर्बिया में, लेकिन अब नहीं होगा. BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, प्रेसिडेंट अजय सिंह, सेक्रेटरी जनरल जय कोवली, ठीक है. AIBA जिसका हेडक्वार्टर्स लूसेन स्विट्जरलैंड में है, और इंटरिम प्रेसिडेंट मोहम्मद मुस्तासेन. सर्बिया जिसका कैपिटल बेलग्रेड, करेंसी सर्बियन दिनार, एंड अलेक्जेंडर व्यूकिक प्रेसिडेंट है. इंडिया अमॉन्ग फाइव टीम्स सील्स डायरेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है कि इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका हैव सील्ड डायरेक्ट बर्थ फॉर द क्वाड्रेनियल 50 ओवर वुमेन वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन न्यूजीलैंड एंड शेड्यूल फ्रॉम 6 to March 7 इन 2021. यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है. ओके, एंड बाकी और भी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है. बाकी ICC के हेडक्वार्टर्स दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है, और चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु सोहनी. सयाजीराव गायकवाड 3 द महाराजा ऑफ बड़ौदा, न्यू बुक बाय उमा बलसुब्रमण्यम, पब्लिश्ड बाय रूपा पब्लिकेशंस. यहाँ पे लिखी गई है उमा बलसुब्रमण्यम एंड पब्लिश की गई है रूपा पब्लिकेशंस के थ्रू, ठीक है. और उनके बारे में बताया हुआ है कि वो ऑलरेडी फैकल्टी रह चुके हैं आर्ट्स डिपार्टमेंट में MS यूनिवर्सिटी में बड़ौदा में, एंड उन्होंने अपना कैरियर 2002 में एज अ फ्रीलांस राइटर शुरू किया था पब्लिकेशन लाइक हिंदू के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस एंड डेक्कन क्रॉनिकल के अंदर. इंटरनेशनल डे 2020 April 29, इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है April 29 को, ठीक है. आप लोगों को ये पता होगा, इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा था कल. प्रेसिडेंट मोहम्मद, ठीक है, ये जो किया गया है इंडिया इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की ओर से, तो प्रेसिडेंट है मोहम्मद सैफ अल अफखाम. डायरेक्टर जनरल जो है तोबाइस बियानकोन, एंड हेडक्वार्टर्स जो है शंघाई चाइना में है. IDC के बारे में, तो उसके प्रेसिडेंट अल्बर्टो ग्रेसिया कस्तानो एंड जनरल सेक्रेटरी ग्लोरिया गार्सिया अरम्बरी. IDC क्या है? तो इंटरनेशनल डांस कमेटी है. एंड ITI क्या है? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है, ठीक है. आंध्र गवर्नमेंट लॉन्चेस फी रिएम्बर्समेंट स्कीम फॉर स्टूडेंट्स नेमली जगन्न विद्या दीविना. आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर येदगुरु सदिंती जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे स्कीम की है जगन्न विद्या दीविना विद आउटले ऑफ 4,000 crore टू प्रोवाइड फुल फीस रिएम्बर्समेंट टू अबाउट 14 lakh कॉलेज स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज इन प्रोफेशनल कोर्सेज. भाई यहाँ पे ये चीज़ की गई है स्टूडेंट्स के लिए, 14 lakh कॉलेज स्टूडेंट्स को यहाँ पे पूरी फीस यहाँ पे माफ़ करने वाले हैं. प्रोवाइडिंग हेल्प टू फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी बट अनेबल टू डू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस, प्रमोट हायर एजुकेशन. एंड ये चीज़ को प्रमोट करने के लिए इन्होंने, आंध्र प्रदेश ने ये चीज़ की हुई है. तो आंध्र प्रदेश जिसका कैपिटल अमरावती में है, स्टेट फ्लावर वाटर लिलीज, स्टेट बर्ड इंडियन रोलर, स्टेट एनिमल ब्लैकबक एंड स्टेट ट्री नीम है, ठीक है. मध्य प्रदेश CM शिवराज सिंह अनेवल्स जीवन अमृत योजना 12 पीपल फाइट अगेंस्ट COVID-19. यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जीवन अमृत योजना लॉन्च की हुई है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए और कोरोना से फाइट करने के लिए. और उसके अंदर फ्री में प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि त्रिकुट चूर्ण, फिर आयुष, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी चीज़ें से मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ठीक है. एंड इनका टारगेट क्या होगा? टारगेट है सेटअप टू डिस्ट्रीब्यूट पैकेट ऑफ 50 grams टू 1 crore फैमिलीज. 1 crore फैमिली को 50 grams का पैकेट दिया जाएगा. मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, गवर्नर
लालजी टंडन एंड फोक डांस जो है जवारा मटकी आडा फुलपति ग्रीटा डांस सिलारर की सिलाबदोनी एंड मंच। सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। 30 अप्रैल का सेशन काफ़ी लंबा था आज। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और समझ में आई है पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे दिया हुआ है आपको लिंक, यहाँ पे वेल अकेडमी करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो जल्दी से अभी एनरोल कर लेना, टाइम काफ़ी कम है, बाद में ये ऑफ़र आपके लिए नहीं आएगी। टेस्ट सीरीज़ की एक्सेस भी आपको साथ में मिल रही है, तो जल्दी से एनरोल कर लो। इसी के साथ हम शाम को मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, एंड तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।